श्रम विभाग कार्यालय के परिसर में गुरुवार को वी एन ड्रायर्स प्रोसेसर लिमिटेड के मजदूरों ने वेतन विसंगति और कंपनी के मनमाने रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि संबंधित कपड़ा मिल में बिना किसी कारण के 3 मजदूरों को निकाल दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सहायक श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांगों को जल्द ही पूरा करने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदर्शन का नेतृत्व कर फैक्ट्री के कर्मचारी और सहायक श्रम आयुक्त वी के श्रीवास्तव ने कहा, मैं अजय कुमार मिश्रा। क्या है आप? वहाँ के कंपनी के एक मजदूर हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ और मजदूरों के साथ आया हूँ। किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग बीएनडीएस बरगदवा के मजदूर हैं और यहाँ पे जो है कि अपने कंपनी में बातों को लेकर के आए हैं कि हम लोग को जो है कि कंपनी में वेतन नहीं मिल पा रहा है सही रूप से, कम मजदूरी मिल जा रही है जिसमें 200-300 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग की जो है कि दिनचर्या नहीं चल पा रही है। इसलिए हम लोग प्रशासन के पास आए हैं कि हम लोग को जो है कि 15,000 रुपये कम से कम न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और जो भी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं लोग, श्रम कानून जो है कि हमारे साथ 3-4 लोगों को निकाल दिए हैं बिना जो है कि किसी नोटिस के, उनको जो है कि कंपनी के अंदर रखा जाए। कंपनी में लोग जल जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस चीज़ों के लेकर के हम श्रम आयुक्त महोदय के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए, ताकि इस पर विचार कर करके और हम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। इसके पहले हम लोग DM साहब से मिल चुके हैं, सांसद जी से भी मिल चुके हैं, विधायक जी से भी मिल चुके हैं और यहाँ पर जो है कि हम लोग ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर जो है कि मुख्यमंत्री साहब को भी दे चुके हैं। अपनी कंपनी की समस्याओं से अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? सर, बीएनडायर्स वाले आपसे मिले हैं, क्या है पूरा मामला, क्या प्रकरण है इनका? देखिए, बीएनडायर्स मंदिर के टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बरगदवा गोरखपुर द्वारा एक ज्ञापन पत्र दिया गया है जिसमें उन्होंने सरकार के समक्ष रखा है कि जो है प्रस्ताव रखने की बात कही है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 15,000 रुपये की राशि हो। अरुण चौबे, संजय पाठक, आकाश चौबे 3 स्टाफ हैं बीएनडायर्स के, जिनको बिना किसी कारण के गेट बंद कर दिया गया, उनको प्रवेश नहीं किया जा कराया जा रहा है, उनको सेवा में नहीं इधर लिया गया है। इसके अलावा अर्धकुशल की श्रेणी में जिन मजदूरों को रखा गया है उनको कुशल की श्रेणी में रखा जाए। इस तरह की इनके ज्ञापन आया हुआ है 5 बिंदुओं 6 बिंदुओं पर। ये भी है कि 6 से 8 साल काम कर रहे हैं उनका ESI EPF कैंप लगाकर काटा जाए। इसके अलावा और एक बिंदु है कि ESI EPF धारी मजदूरों जिनकी संख्या 400-500 के लगभग है, लॉकडाउन बंदी और सैनिटाइजर के कारण बंदी है, सभी मजदूरों को लॉकडाउन की बंदी 240 दिन न करके कम से कम 200 दिन के PL की राशि का भुगतान किया जाए। इस तरह 6 बिंदुओं पर इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, अभी हमारे समक्ष इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस पर मैं पक्षों की वार्ता बुलाकर इनकी समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करूँगा।